देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जितनी उम्र है उतना ही इसमें गुटबाजी की परंपरा का इतिहास रहा है। नेता छोटा हो या बड़ा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या अधिकार के लिए गुटबाजी में कूदने की एक पुरानी परंपरा रही है। पंजाब जैसा हाल कई और राज्यों में भी है। राजस्थान में इन दिनों ज्यादा चर्चा हो रही है। गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी जंग में एक कांग्रेसी नेता की वजह से इसे ज्यादा हवा मिल गई। इस बार ऐसा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक ट्वीट को रिट्वीट करने से हुआ। अजय माकन ने एक दिन पहले एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट किया था, जिसमें लिखा गया है, किसी भी राज्य में कोई छत्रप अपने दम पर नहीं जीतता। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और, जो मुख्यमंत्री बनते ही ये समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। इस ट्वीट में सिद्धू को अध्यक्ष बनाने को सही फैसला बताया गया है। माकन के रवैये को गहलोत के खिलाफ और सचिन पायलट के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से मत के हुआ होगा तभी बना होगा, कहीं भी ये मामला सुलझना चाहिए ये मैं जरूर कहूँगा, लेकिन अब एक सरकार चल रही है राजस्थान में, अब वहाँ जो कुछ हुआ वो दुखद है, लेकिन आपस में मिलजुल के फिर चलना चाहिए। लेकिन इन हलचलों के बीच फिलहाल राजस्थान में किसी तरह के बदलाव नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। बताया गया कि राजस्थान में ना तो मुख्यमंत्री और ना ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी तरह का बदलाव होगा। हालांकि सचिन पायलट को संगठन में फेरबदल के तहत AICC में महासचिव बनाया जा सकता है। यही नहीं, उन्हें राजस्थान का प्रभार भी दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के कुछ समर्थकों को मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जिला अध्यक्ष बनाते वक्त भी सचिन गुट के लोगों को उचित स्थान दिया जाएगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह तो राजस्थान में सचिन पायलट ने चुप्पी साधी हुई है। सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो कैप्टन पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनका रुख दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं को मनाने में कैसे और किस हद तक कामयाब होती है।